हिमाचल प्रदेश के 13वें सीएम के रूप में जयराम ठाकुर ने शपथ ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 13 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। हिमाचल में बीजेपी को जीत दिलाने के बाद सीएम पद को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरकार मोहर जयराम ठाकुर के नाम पर ही लगी। जयराम बीजेपी के आलाकमान से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की पहली पसंद बताए जाते हैं। हिमाचल के नए सीएम का जीवन काफी सादगी भरा है। ठाकुर भले ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन उनका कनेक्शन कर्नाटक से भी है, क्योंकि उनकी पत्नी साधना ठाकुर कर्नाटक के शिवामोगा से आती हैं। जयराम और साधना की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। खबर के मुताबिक दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। उस वक्त साधना एबीवीपी की तेज तर्रार मेंबर हुआ करती थी और वहीं जयराम जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए सक्रिय थे। राजनीति के दावपेच के बीच दोनों का प्यार परवान चढ़ा। आज इस सुखी परिवार में दो बेटियां हैं। आपको बता दें कि शादी के बाद साधना राजनीति से दूर रही। पेशे से डॉक्टर साधना आज भी ब्लड डोनेशन और हेल्थ कैंप लगाती हैं। शादी के बाद से दोनों हिमाचल में ही रह रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।